और उसके साथ साथ उसामा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। एंड रुबीना, आपको ग्रेट वेलकम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। रुबीना, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि मामलात, देखिए हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना रोल है, एक अपना मौकिफ है। कोर कमेटी का भी इजलास हुआ, उन्होंने यही, आपका जो कोर इजलास होता है उसमें भी ये कहा कि जी हम इंतखाबात के भी हक में हैं और हम जुडिशरी से भी तसादम नहीं चाहते। लेकिन अब ये जो बिल्स वापस रेफर हो रहे हैं असेंबली को, जिस किस्म की महाजराई हो चुकी है, जिस उरूज पे जा चुके हैं, क्या कोई बातचीत का जरिया निकलेगा या आपको लगता है कि मामलात इसी तरह होंगे और अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर नाअहली की तलवार या तौहीने अदालत की तलवार भी लटक सकती है किसी पर? बिल्कुल जैस्मीन, मैं यही कहूँगी कि जो अभी इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और जो जिस तरह की सिचुएशन है उस, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये जाहिर सी बात है कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, और जिस तरह से ये जो है लास्ट 2018 के इलेक्शन के बाद से जो मुल्क में हालात हुए हैं, ख़ास तौर पर इदारों का तसादुम और आपस में जो है ख़ास तौर पर सियासी पार्टीज़ का जिस तरह से एक जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ माजी में एक होती रही थी जिस तरह से नवाज शरीफ नून लीग की तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है COD जो है वो साइन किया और तमाम जमातों को इकट्ठा किया और यही जो है तय हुआ कि हम आइंदा जो है मुल्की जो है सालमियत के लिए एक मेज़ पर बैठेंगे और इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं किया करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 2018 में जिस तरह से इमरान खान साहब को लाडला के हैं या जिस तरह से भी उनको इलेक्शन में जितवाया गया और फिर जो उसके बाद जो हालात हुए इस मुल्क में वो हम सबके सामने हैं कि किस तरह से एक इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई अपोजिशन जमातों के साथ जो है वो जो इमरान खान साहब का जो रवैया था वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। उनको जो है वो हमेशा यही बात करते रहे कि मैं मतलब उल्टे सीधे जो है इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन आज क्या हुआ कि आखिर में उनको ये जो रोज़ाना वो अपने बयानिए जो है वो चेंज करते रहते हैं और जिस तरह से उनकी जब हुकूमत ख़त्म हुई और जिस तरह से उन्होंने एक साइफर का जो है वो एक ड्रामा रचाया और जिस तरह से जो है वो सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं वो बयानिए उनके आते रहे, वो मतलब उनके उनकी बातों में तजाद आता रहा। लेकिन क्या हुआ, असम्बलियाँ भी उन्होंने पंजाब असम्बली भी तोड़ दी, KPK भी तोड़ा की असम्बली भी तोड़ी, फिर जो है फिर अब कह रहे हैं कि मतलब इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मतलब ये मुल्क के साथ हो क्या रहा है? एक तरफ आटे के लिए आवाम जो है वो लड़ रही है, मर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो हम इलेक्शन के हर दूसरे दिन, मतलब कैसे इलेक्शन हो सकता है? आप खुद सोचें कि आप आज असम्बली तोड़ें और फिर बोलें कि जो है हमें पहले वाली असम्बली, आपकी हुकूमत थी ना उस वक्त भी, आपने क्यों जो है असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व नहीं, रुबीना वो तो इसलिए उन्होंने डिसॉल्व की ना कि वो तो ये चार पाकिस्तान, वो तो एक साल से इसी चीज की कोशिश में लगे हुए हैं ना। असेंबलीज तो उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए तोड़ी थी कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा और 90 दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे। नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर मतलब आप पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बिल्डअप करने के लिए मुल्क के साथ खिलवाड़ कर दें आप, मतलब ये तो आप मतलब ये खुद सोच लें इस जहनीत के मालिक जो जिनको अगर इमरान खान साहब को लीडर माना जाए तो वो मतलब पाकिस्तान की तो फेवर में नहीं है ना। उन्होंने कोई भी ऐसा काम जो 3 साल 8 महीने में नहीं किया कि जो हम पाकिस्तान के लिए हम ये कहें कि उन्होंने अच्छा किया या पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम किया या पाकिस्तान की उन्होंने कोई बात की या पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ अच्छा किया, उसमें कोई भी हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो आप हमें कह सकें कि इमरान खान साहब ने ये किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहरहाल जो भी हालात अभी हैं और जिस तरह से भी हैं उसमें अब यही एक हल नज़र आता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो एक बेंच पे बैठना चाहिए जो है वो मुल्क की सियासत बहुत मुश्किल में है। रुबीना, हम भी तो यही पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्या बैरूनी ताकत कोई मदाखलत करेगी? मदाखलत से मेरा